गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन के पहले चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में पहले वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है ना, प्लानिंग किसे कहते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, क्यों हमें प्लानिंग करनी चाहिए और प्लानिंग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। और हमें ये भी मैंने बताया था उस वीडियो में कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या एक इंडिविजुअल इंसान पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा सकता है या कई सारे उसमें कमेटीज बनाई जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है ना, पावर शेयर की जाती है। तो हम इसमें बात करेंगे कि कौन सी वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। जब भी कोई टूर्नामेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसकी एक ऑर्गेनाइज एक कमेटी एक वेरियस एक कमेटी बनती है और उस कमेटी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है। यानी कि वो जो कमेटी बनती है प्री गेम शुरू होने से पहले, ड्यूरिंग जब गेम चल रहा होता है टूर्नामेंट चल रहा होता है, और पोस्ट और गेम खत्म होने के बाद भी कई सारे काम किए करने होते हैं। तो एक देखा जाए तो बहुत बड़ी कमेटी होती है जो ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है स्पोर्ट्स को। हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी किसी भी स्पोर्ट टूर्नामेंट को अगर ऑर्गेनाइज कराना है तो सबसे एक जो उसकी मेन बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, अब एक क्रिकेट का हम एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का जो मेन हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं BCCI ना, BCCI जिसके अब उसमें कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर जो है शशांक मनोहर इस समय हमारे हैं। तो BCCI जो हो गया वो मेन पार्ट हो गया, ठीक है ना, उसके जो डायरेक्टर होंगे वो उसको चीज़ों को जैसे उन्होंने कहा चलिए आपको बारे में एशिया कप कराना है इंडिया में, मान लीजिए कि इंडिया में एशिया कप होने वाला है या वर्ल्ड कप होने वाला है या IPL होने वाला है, ठीक है ना। तो IPL कौन कराता है, BCCI कराती है, ठीक है ना। अब उसके नीचे में आता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में जैसे कि IPL के जो आपके एक कमेटी बनेगी कि IPL को ऑर्गेनाइज कराना है तो IPL के लिए कमेटी बनाई जाएगी। डायरेक्टर जो होगा BCCI के जो डायरेक्टर होगा वो दिशा निर्देश जारी करेगा कि आपको IPL कराना है, टूर्नामेंट कराना है, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। उसमें कई सारे लोग होंगे, ठीक है ना, वो मिलकर क्या करेंगे, वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाएंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को करेंगे, क्योंकि जब एक टूर्नामेंट होगा बड़े स्तर पर टूर्नामेंट होगा या छोटे स्तर पर तो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई सारी ड्यूटीज होती हैं, तो इन ड्यूटीज को करने के लिए इन कामों को करने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ते हैं। इसलिए अब IPL के जो कई सारे मेंबर्स होंगे 4-5-10 जो भी मेंबर्स होंगे वो एक मिलकर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाएंगे जो कि थर्ड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द गेम्स या स्पोर्ट्स। ये जो है IPL की जो फॉर एग्जाम्पल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी ये आपकी कई सारी कमेटीज फॉर्म करेगी, कई सारे लोगों को एक ग्रुप बनाएगी, अलग अलग ग्रुप बनाएगी लोगों के और उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। अब वो कौन कौन से ग्रुप होंगे, कौन कौन सी कमेटी होगी, उनके क्या क्या काम होंगे हम डिस्कस करेंगे। पहली कमेटी बनेगी जिसको बोलते हैं पब्लिसिटी कमेटी, है ना। पब्लिसिटी कमेटी क्या है कि जब भी कोई हम टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले लोगों को जानना होगा कि टूर्नामेंट होने वाला है, किस तरह का टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है ना, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसमें प्राइज मनी क्या होगी, ठीक है ना। इसके लिए पब्लिसिटी उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, वो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट मीडिया थ्रू भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होगा, जो भी मीडिया यूज कर सकते, पोस्टर बैनर होर्डिंग, ठीक है ना, जो भी पंपलेट जो भी हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों तक उसकी पहुंच हो उस टूर्नामेंट के बारे में। जैसे IPL होने आपने देखा होगा, जब IPL होने वाला होता है तो टीवी पे उसके एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, ओलंपिक होने वाला होता है, एशिया गेम होने वाला होता है, किसी देश का कहीं टूर जाना होता है तो पहले से कितने दिन से शुरू होने वाला है, तो उसकी ये कौन सा एक कमेटी होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ये होते हैं कि इस टूर्नामेंट जो होने वाला है, जो भी टूर्नामेंट, उसकी वो पब्लिसिटी करे, लोगों तक पहुंच बनाए, लोगों को बतलाए कि एक टूर्नामेंट क्रिकेट का होने वाला है जिसमें ये टीमें आएंगी, ठीक है ना, इसका फीचर ये होगा, इसका प्राइज मनी ये होगा, ठीक है ना। तो पब्लिसिटी में जिस तरह से उसको लोकप्रिय बना सके इसकी ये काम होगा। तो उसकी जो कमेटी बनती है इसको बोलते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बट नेचुरल है कि जब टूर्नामेंट शुरू होंगे तो जो टीम्स आएंगी या जो प्लेयर्स आएंगे वो कहाँ पर रुकेंगे, ठीक है ना, एक ही होटल में सारे 8 टीम 10 टीम 12 टीम या 100-200 जैसे ओलंपिक में तो हजारों 10,000-20,000 खिलाड़ी आते हैं, तो क्या 10-20,000 लोगों को लिए एक ही होटल में ठहरा देंगे, क्या किसी एक शहर में ठहराना पॉसिबल है, नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक उसके लिए कमेटी बनाएंगे जिसकी केवल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी खिलाड़ी आएंगे जो भी टीम्स आएंगी उनके रहने की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था, यानी कि होटल्स हो या जो भी आप बुक कर सकते हो या उनके लिए आप अलग से घर में मंगवा दो कुछ ही हो, जैसा कि ओलंपिक में होता है, जब ओलंपिक बहुत बड़ा
इवेंट होता है वर्ल्ड लेवल पे, सबसे बड़ा इवेंट है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी 4 साल पहले से जहां पे भी ओलंपिक होने वाला होता है उसके 4-5 साल पहले 10 साल पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि ओलंपिक में 2-4 लोग नहीं आते हैं, बट ओलंपिक गेम्स में जो है कम से कम 10 से 20 हजार जो है जो खिलाड़ी होते हैं और दर्शक करोड़ों में होते हैं, तो जो दर्शक किसी देश में आएंगे जो आएंगे देखने के स्पेक्टेकल्स देखने के लिए आएंगे तो उनके रहने के लिए एक विलेज बना एक शहर ही बसा दिया जाता है उनके लिए, ठीक है ना। तो लेकिन हम यह बात करें छोटे लेवल की बात करें कि तो बॉडी का वजन क्या है, खिलाड़ियों कहाँ रुकेंगे, उनके आने जाने की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ पर रुकेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था करेंगे कमेटी, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि खिलाड़ी जो है आराम से मैच खत्म होने के बाद अपने रुकने की जगह पर जा सकें और अपने वहाँ पर आराम से जो है रह सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो, ये एक कमेटी होती है जिसकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड होती है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का मतलब, रिसेप्शन का मतलब ये नहीं कि जो एंट्री फीस ले जैसे गाँव लेवल पर होता, नहीं, रिसेप्शन कमेटी का यहाँ मतलब है कि रिसेप्शन में वो लोग होते हैं जैसे कि जब कोई भी गेम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी सेरेमनी होती है, शुरुआती यानी तो आप कह सकते हो कि क्लोजिंग सेरेमनी होती है और साथ ही साथ जो है आप जब गेम शुरू होता है उसकी सेरेमनी होती है, तो उस सेरेमनी में जो मुख्य अतिथि आते हैं जो गेस्ट आते हैं उनको जो है वेलकम करने के लिए कौन वेलकम करेगा, कौन सा आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे ओलंपिक का गेम होता है वर्ल्ड कप होता है तो उन्होंने देखा होगा बहुत सारे जो बॉलीवुड सितारे या हॉलीवुड के लोग आते हैं गाना गाते हैं स्टेज परफॉर्मेंस होता है, ठीक ना, तो इसके लिए कौन आएगा किसको बुलाना है और जो चीफ गेस्ट आएंगे जो स्पेक्टेटर्स आएंगे उनको कहाँ बैठाना है कैसे उनको वेलकम करना है ये सारी जो है रिसेप्शन कमेटी की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन बटन चूर की सेरेमनी कि किसी भी गेम में कई तरह सेरेमनी है, तो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो ओपनिंग जैसा ओलंपिक में देखा होगा ओलंपिक का ओपनिंग सेरेमनी होती है तो कई सारे लगभग एक दिन तक पूरा का पूरा जो सब प्रोग्राम चलते रहते हैं, ठीक ना, लाइटनिंग और क्या क्या चीजें चलती जाती है, क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है। आईपीएल में आपने देखा होगा कि आईपीएल में भी क्लोजिंग सेरेमनी और आपका ओपनिंग सेरेमनी होती है। इसके अलावा डेकोरेशन किस तरह से फील्ड को सजाया गया, मैदान को सजाया गया ताकि वो अच्छा लगे, खासकर जब ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी चल रही है तो, और जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा सीएलएस का डांस देखा होगा कि पटाखे फूटते हैं, ठीक ना, कुंजड़ी जैसा निकलता है, ये सारी चीजें किसी भी जिम्मेदारी है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ये इनकी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को वो देखेंगे, उनकी पूरी की पूरी अरेंजमेंट करके रखेंगे। इसके अलावा अगला जो होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा जब गेम्स होते हैं खासकर जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के गेम होते हैं तो उसमें एक एक टीम एक जगह मैच नहीं खेलती। आपने देखा होगा आईपीएल का अभी मैच हैदराबाद में, कल जो है रांची में होगा, परसों जो है कोलकाता में होगा, तो खिलाड़ी जो ट्रांसपोर्ट करेंगे कैसे जाएंगे, क्या खेल खत्म होने के बाद खिलाड़ी खुद जाकर एयरपोर्ट पर अपना टिकट कटवाएंगे और फिर जाएंगे, नहीं, उनके लिए पहले से अरेंजमेंट होता है कि ये टीम मैच खेलने के बाद इसको यहाँ जाना है, इसलिए उनके लिए पहले से टिकट और फ्लाइट्स बुक होती हैं, ठीक ना, और वहाँ से फ्लाइट पे एयरपोर्ट से उतरने के बाद वहाँ तक जाने के लिए उनके लिए गाड़ियाँ बुक होती हैं, जहाँ तक उनको बोर्डिंग जहाँ पर उनको ठहराना जिसकी जिम्मेदारी अलग होता है, ठीक ना, लेकिन खिलाड़ियों के ऑन फील्ड से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से बॉर्डिंग क्रॉसिंग जहाँ तक उस कमेटी तक हैंड ओवर करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन कमेटी होती है जो तो खिलाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था करती है। अगला, ये इसमें कोई पार्ट नहीं, ये सारे पार्ट अलग है। अगला 6 ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड्स भाई बटनेचुरली गेम्स जो होंगे ऑन द फील्ड ही होंगे, है ना, जब ऑन द फील्ड गेम होंगे तो ग्राउंड को कैसे संभालना है, ग्राउंड्समैन होता है, देखा होगा जो है क्यूरेटर पिच क्रिकेट का होता है, क्यूरेटर होता है जो पिच बनाता है, ग्राउंड स्टाफ अलग होते हैं जो ग्राउंड की मरम्मत करते हैं, घास उगाने होते हैं, ठीक ना, कहीं खराब ना हो, कई सारी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट जो उस गेम में इक्विपमेंट यूज होने वाले उसके लिए पहले से व्यवस्था अल्टरनेटिव यूज करते रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट करा दो आपके स्टम्प टूट गए तो क्या करते हैं, स्टम्प खरीद के लाएंगे, नहीं, स्टम्प रखे जाते हैं, ठीक ना, इतने व्यवस्था, बॉल फट गया, बॉल गुम हो गया, उसी कलर का उसी ओवर का, मैं देखा होगा कि अगर 10 ओवर का बॉल फट गया या फट तो नहीं जाता बल्कि गुम हो गया तो फिर एक बॉक्स लेकर एक आता है तो उसको मैनेज करता है कि हाँ ये बॉल जो है वो अलग अलग होते हैं 10 ओवर का, 15 ओवर का, 20 ओवर का, हर तरह का इक्विपमेंट ताकि कोई उसमें डिफरेंस क्रिएट ना हो गेम में, ना, तो एक कमेटी होती है जो कि ग्राउंड और इक्विपमेंट का ख्याल रखती है, उसकी अरेंजमेंट वो करती है। अगला कमेटी फॉर इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। इंटरटेनमेंट किसके लिए इंटरटेनमेंट की बात होती है, जो गेस्ट आ रहे हैं जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको एंटरटेन भी करना है, है ना, जो स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं उनको एंटरटेन भी करना है, तो इस इंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट साथ ही साथ जो गेस्ट आया उनको चाय पानी नाश्ते का व्यवस्था करना आपको करना होता है, आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो
उसके लिए एक कमेटी अलग से बनती है जिसका केवल और केवल यही जिम्मेदारी होती है कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी प्लेयर्स आए जिसको आपने इनवाइट किया हुआ है, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए, उनके लिए इंटरटेनमेंट के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हो। इसके इंटरटेनमेंट की जो है कई जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो है जब मैच खत्म हो जाता है तो सुना हुआ कि वो पिक्चर देखने चले जाए, तो ऐसा नहीं होता कि अपने खिलाड़ी अपने मन से कहीं चले जाएंगे, बल्कि वो उस कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे मूवी देखनी है, तो वो उनके लिए ऑर्गेनाइज कराएंगे कि कहाँ पर कौन सी मूवी देखनी है, उसके लिए पास बनाएंगे या आपका टिकट ला कर देंगे। तो ये वेल प्लान होता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से खिलाड़ी कुछ भी करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन होते हैं। तो एक कमेटी तो इसके लिए होती है कि जो एक तो गेम के दौरान होता है, ड्यूरिंग द गेम जब गेम चल रहा होता है उस समय कौन से हमारे गेस्ट आए हुए हैं या जो भी हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं, जो भी स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं, उनको रिफ्रेशमेंट में क्या देना है, ठीक है, कौन देगा, कैंटीन है या कैसे हमें सर्व, कैसे सर्व करना, ये सारी व्यवस्थाएं इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला जो है कमेटीज ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, एंट्रीज, ठीक ना। अब सवाल ये होता है कि जब हम कोई टूर्नामेंट करा रहे होते हैं तो कौन कौन टीम को हम बुलाएंगे, तो खासकर जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर जो टीमें होती है तो ऑलरेडी फिक्स होती हैं, लेकिन फिर भी अगर दोनों लेवल पर या स्टेट लेवल पर जब हम टूर्नामेंट्स कराते हैं तो उसमें हम एक जैसे आप गाँव में कराते हैं टूर्नामेंट क्या कराते हैं, हम इश्तिहार निकालते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि जिस भी टीम को शामिल होना इतना एंट्री फीस है या जो भी है आपको आना है, तो इसके लिए जो भी कमेटी होगी वो एंट्री फीस एंट्रीज कराती है, ठीक है, और प्रोग्राम बताती, प्रोग्राम सेटअप करती है खिलाड़ियों के लिए। तो ये एक अलग कमेटी होती है जो एंट्रीज को, यानी जो खिलाड़ी आ रही हैं टीम सारी उनकी एंट्रीज कराती हैं अलग, जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ करा रहे हो, स्प्रिंट करा रहे हो या आप रेसलिंग करा रहे हो, रेसलिंग का टूर्नामेंट या कबड्डी का टूर्नामेंट करा रहे हो, तो कबड्डी में है सवाल ये कि किस लेवल पर करा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, विलेज लेवल का है, स्कूल लेवल का है, जोनल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, किस लेवल का करा रहे हो, उस लेवल से आप क्या करते हो लोगों को अपने पास देते हो, आप एडवर्टाइजमेंट कराते हो अपने एडवर्टाइजमेंट कमेटी के थ्रू, और जब वो लोग आपके पास अप्रोच करते हैं तो आप उनको एंट्री देते हो, तो ये अलग कमेटी होती है, ठीक है। अगर जो है कमेटी ऑफ फॉर ऑफिशियल्स, बता चुका कि जब गेम होंगे, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होंगे, तो एक बहुत बड़ा ऑफिशियल स्टाफ होगा जिसमें आपके अनाउंसमेंट भी होंगे, जिसमें आपके अंपायर्स या रेफरीज भी होंगे, जिसमें आपके थर्ड अंपायर भी होंगे, मैच रेफरी भी होगा, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं। तो किसकी जिम्मेदारी, किसको किस गेम के लिए किसको बुलाएं, ताकि पॉसिबिलिटी भी आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट का या फुटबॉल का गेम होता है तो दो देशों के बीच में गेम होता है, उनके जो अंपायर या रेफरीज को कोशिश की जाती है कम से कम उसको रखा जाए, इससे क्या होता है कि पार्शियलिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कौन करता है, ये एक कमेटी होती है जो ये बताते हैं कि इस मैच में कौन रेफरी होंगे या कौन जो है आपके अंपायर्स होंगे, ठीक ना, कौन आपके मैच रेफरी होंगे, कौन आपके थर्ड अंपायर होंगे, ठीक ना, कौन आपके अनाउंसमैन होगा, ये सारी चीजें वेल मेंटेन और वेल प्लान होती है जो कौन इस कमेटी की जिम्मेदारी होती है। अगला अनाउंसमेंट कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी जैसे कि कोई गेम चल रहा होता है उसमें आपने देखा अनाउंसमेंट कमेटी में कमेंटेटर होते हैं, ठीक ना, जो कमेंट्री करते हैं, लाइव कमेंट्री करते हैं, ठीक ना, या अनाउंसमेंट गेम के दौरान जैसे ओलंपिक चल रहा होता है तो सेरेमनी जब होती है, जब मेडल पहना जाता है तो उसमें भी अनाउंसमेंट किया जाता है कि जीते हैं या हमको ये पहना जाता है, तो उसके लिए कमेटी होती है और कमेंटेटर चूज करना कि कौन इसकी कमेंट्री करेगी, इस मैच में कौन कमेंट्री करेगा, इस मैच में कौन करेगा, इसके लिए अलग से ये किसकी जिम्मेदारी होती है, कौन अपॉइंट करता है, अनाउंसमेंट कमेटी जो होती है इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर मैच के लिए अलग अलग जो है कमेंटेटर या जो भी लोग होते हैं जो कमेंट्री करना चाहते हैं, जो भी वेल जो प्रोफेशनल होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, उनको वो अपॉइंट करती है। इसके अलावा फर्स्ट एड कमेटी, जैसा जानते हैं कि गेम एक ऐसी किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ उसमें सबसे ज़्यादा 100% रिस्क होता है कि चोट लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो क्या कभी अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे, तब मेडिकल स्टाफ बुलाएंगे या तब हम हॉस्पिटल ढूंढ जाएंगे जिसको ये चोट लगी है कौन सा हॉस्पिटल में, या नहीं, जबकि कोई नेशनल या बड़े लेवल पर जब होती है जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती है तो फर्स्ट एड यानी डॉक्टर जो होते हैं ऑलरेडी उस ग्राउंड पे मौजूद होते हैं जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सीरियस कोई चोट लग जाती है तो उसके पहले से ही कई समय से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको लखनऊ में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, तो लखनऊ के दो चार जो हॉस्पिटल्स होंगे या एक हॉस्पिटल दो हॉस्पिटल जो प्राइवेट या जो भी होंगे और जो डॉक्टर्स होंगे वो ऑलरेडी उस कमेटी जो उनसे जो है अपने टचअप में रहेगी, तो अगर मेरे खिलाड़ी में कोई भी सीरियस केसेस आते हैं, चाहे हड्डी टूट जाए या ब्रेन में चोट लग जाए या सर में फट जाए,
तो डायरेक्ट उस डॉक्टर के पास वो लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि चोट लग जाए उसको हम फोन करेंगे डॉक्टर साहब आप खाली हैं क्या, मेरा खिलाड़ी चोटिल हो गया, नहीं ऐसा नहीं। ऑलरेडी पहले से फिक्स होता है, डॉक्टर फिक्स होते हैं दिन के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल तक अप्रोच कर सकें, बेड ऑलरेडी जो है वहाँ पे रिजर्व रखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं जो फर्स्ट एड से लेके और सीवर केसेस तक ये कौन हैंडल करता है, फर्स्ट एड कमेटी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब इतना बड़ा आप कोई भी जब ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जब भी आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, एक स्पोर्ट्स इवेंट करा रहे हैं, गेम आप जो है आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब पैसा कहाँ से आएगा, किसको, रेफरी आ रहे हैं उसमें खिलाड़ी आ रहे हैं उनको प्राइज मनी देनी है, ठीक है, एंट्री फीस, सिक्योरिटी मनी आप जो देते हो वो भी रिटर्न करना होता, कई सारे पैसे की जरूरत होती है, एडवर्टाइजमेंट में खर्च होंगे, होते इतने सारे लोग जो कमेटी वो अपना फीस लेंगे, वो अपनी सैलरी लेंगे, इतने सारे लोगों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा किसको कैसे दिया जाएगा, ठीक है ना, किसकी कितनी पेमेंट होगी, ये सारी कौन करता है, फाइनेंस कमेटी की इनकी सारी जिम्मेदारी होती है। तो हमने देखा कि एक वेल प्लान किसी गेम्स या स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने को ये कई सारे लोग लगे होते हैं, कई सारे कमेटीज होती है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन लगे होते हैं और उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं जो अलग अलग कमेटीज में होते हैं और सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सभी कमेटी एक साथ मिलकर प्लानिंग के साथ काम करती है तो बटन चलो एक सक्सेसफुल जो है आप कह सकते हो कि गेम या स्पोर्ट जो ऑर्गेनाइज हो पाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्री ड्यूरिंग और पोस्ट जो आपकी टूर्नामेंट्स होती हैं तो खेल के समय पहले ड्यूरिंग और पोस्ट में क्या क्या रिस्पॉन्स। तो हमने कमेटी की बात की कि कमेटी सवाल ये होता है कि इस समय जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कौन कौन सिचुएशन होती है उसमें क्या करना होता है गेम से पहले टूर्नामेंट से पहले टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।